नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को नक्सलियों और जवानों में हुई मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने जिस जवान राकेश्वर सिंह मनहास को अगवा कर लिया था, अब खबर आ रही है कि उन्हें छोड़ दिया है और वो तरेम थाने जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। हेलीकॉप्टर भेजा गया है उन्हें रायपुर लाने के लिए। ये तुरंत की खबर है। आपको बता दें कि उस मुठभेड़ में जो है 22 जवान शहीद हो गए थे, 1 जवान को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, जबकि 31 जवान घायल हुए थे। इसमें काफ़ी संख्या में नक्सली भी मारे गए थे। नक्सलियों ने जो स्टेटमेंट जारी किया था उसमें अपने 4 जवानों के मारे जाने की पुष्टि की थी, लेकिन खबर यह है कि ज्यादा नक्सली मारे गए थे। खैर, अब उसके बाद जो है केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने की योजना बना रही थी। इसी बीच नक्सलियों ने एक एक करके 2 स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि जवानों से, पुलिस से, CRPF से उनका कोई झगड़ा नहीं है, वो बातचीत चाहते हैं। सरकार पहले मध्यस्थ नियुक्त करे, उसके बाद वो जवान को छोड़ देंगे, लेकिन सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया। हाँ, बैकडोर से जरूर लोकल पुलिस और वहां पे जो सोशल वर्कर हैं वो अपना काम कर रहे थे, और माना जा रहा है कि नक्सलियों ने ये जेस्चर दिया है छोड़ करके कि हम बातचीत चाहते हैं। तो उस दूसरी तरफ से सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हथियार छोड़ करके सरेंडर करें, बातचीत तभी हो सकती है। तो देखते हैं कि इसके बाद सरकार क्या कदम उठाती है। बहरहाल, जो मनहास हैं, जो जवान हैं, इनके परिवार वाले इस बात को लेकर के दबाव बनाए हुए थे कि सरकार उनको छुड़ाने के लिए जल्द से जल्द प्रयास करे, और इसी बीच में खबर आई है कि उनको नक्सलियों ने छोड़ दिया है। इसको लेकर के जैसे ही और डिटेल मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।